अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं गुरुजी फूड सीक्रेट। आज हम आपको भिंडी गोश्त बनाना सिखाएंगे। तो जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें। ये हमने 1 किलो भिंडी ली है और इसको धो के हम जो है खुश कर लिया उसको। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। कढ़ाई में हम जो है तकरीबन 300 ग्राम ऑयल डालेंगे। और इसमें जो है भिंडी को हम भून लेंगे। भिंडी को आपने अच्छी तरीके से भूनना है। दूसरी कढ़ाई में हम जो है तकरीबन इतना ही तेल लेंगे मसाला तैयार करने के लिए। ये हमने आधा किलो प्याज ले लिए हैं, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। प्याज़ों को जो है हम अच्छी तरह जो है वो ब्राउन कर लेंगे। ये देखें जी, हमारे जो प्याज वो ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसमें जो है वो गोश्त डाल के इसको गोश्त को भून लेंगे। गोश्त को जो अच्छी तरह भूनना है ताकि इसके अंदर खून वगैरह जो ना रहे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए गोश्त हमारा भुन गया है। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको जो है ना हम भून लेंगे। अब हम इसमें जो है वो टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने 150 ग्राम लिए हैं। हरी मिर्च हमने टेस्ट के लिए डाल दी। लाल मिर्च आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, जितना आप खाते हैं उसके हिसाब से आपने डालनी है, हसब ज़ायका। नमक भी जो है हसब ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून हमने डाला है। हल्दी पाउडर जो है हमने 1 टीस्पून है। जीरा जो है तकरीबन आधा टीस्पून। हम जो इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप इसको घर में ट्राई करें, ये बड़ी ज़बरदस्त जो है भिंडी तैयार होती है इस तरीके से। तकरीबन हमारा जो है मसाला तैयार हो गया। अब इसमें जो है भिंडी को ऐड करेंगे
है, हम इसमें भिंडी डाल दी है। अब इसका जो है मिक्स कर लेंगे। जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है अब तक वो पहुँच सके, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।